ये पेट्रोल से चलता है, यहाँ से पुली निकलता है, स्टार्ट बटन है, इधर इधर गियर शिफ्टिंग का है। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ गुड मॉर्निंग। पिछले एक दो महीने से 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठने का जो आदत है ना, अब आज मैं 8 बजे उठता हूँ तो गुड मॉर्निंग। और 8 बजे उठती है तो पता चलता है कि दुनिया बहुत ब्राइट है। सो मैं 8 बजे इसलिए उठा हूँ ना क्योंकि एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आया। एक्साइटमेंट किस चीज़ का? जब मैं मुंबई गया था ना तो मेरे घर पे एक मशीन आया छोटा सा जिससे हल जोता जाता है, राइट? सही सुना आपने। तो वो मेरी मम्मी चला रही थी, तो मेरे को ऐसा था ना कि मम्मी चला सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो तब से मेरे को चलाना था। उसके बाद अभी मैं गांव आया हुआ हूँ लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं, 2 महीने से तो बहुत बिजी था। तो आज मेरे खेत में बादाम बुनाई का काम होने वाला है, तो वहाँ पे वो मशीन चल रहा है। सो लेट मी शो यू द मशीन और उसका मैकेनिज्म बताते हैं। बहुत तबाही मशीन है और मेरे को चलाना है भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखें, लेट्स रॉकेट। कुछ तो नया मिलेगा आप लोगों को जानने को इस ब्लॉग से। सो ये है वाला मशीन, कितना छोटा था, कॉम्पैक्ट था, और उसको स्टार्ट करने का प्रोसेस तो मेरे को नहीं पता, पापा बताते हैं। शिथिल कंपनी का है। शिथिल कंपनी का है। पहले इस स्विच को ऑन करते हैं। जो स्विच ऑन होता है देन पुली खींचा जाता है और ऑन हो गया। गियर शिफ्टिंग होता है। तो अभी मैं चलाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल और मैकेनिज्म बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। प्रोफेशन से तो मैं एक इंजीनियर हूँ, तो भाई ये सब में ध्यान तो जाता ही है कि काम कैसे कर रहा है। तो मैं आपको भी शेयर करता हूँ कि काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल और मैकेनिज्म क्या है इस मशीन का। छोटा सा कॉम्पैक्ट मशीन है लेकिन काम बहुत इफेक्टिव कर रहा है भाई साहब। अभी मैं चलाता हूँ, देखता हूँ कितना पावर लग रहा है, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर ज़्यादा पावर लगता है तो बताऊँगा, और अगर मैनुअल मशीन है तो मे भी थोड़ा तो पावर लगेगा ही। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, हम चलाते हैं। कैसे चलाया जाता है बताइए? इसका लीवर खाली था। लीवर उसको उसको पहले अब चलेगा, दबाओ। हाँ लीवर दबाओ। तब ना धक्का मारो इधर उधर। बेसिकली ये कॉम्पैक्ट सा मशीन है, इसके बारे अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल और मैकेनिज्म बताते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इंजन, इसमें मोटर लगा हुआ है 7.1 हॉर्स पावर का, और ये पेट्रोल से चलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वेट लिखा हुआ है इसका, 101 केजी का है ये। बेसिकली ये पुली से कनेक्टेड है हार, और ये पेट्रोल से चलता है, यहाँ से पुली निकलता है, स्टार्ट बटन है, इधर इधर गियर शिफ्टिंग का है, इधर गियर शिफ्टिंग होता है, इधर क्लच है, ये 01, ये क्या है 01 ऑन ऑफ, हाँ ये ऑन ऑफ का है, और ये स्पीड है। इधर स्पीड का देख सकते हैं, यहाँ पे एक रैबिट बना हुआ है, यहाँ पे एक टर्टल बना हुआ है, मतलब आप अगर टर्टल की तरफ करोगे तो धीमा चलेगा, और इधर करोगे तो तेज चलेगा। मतलब कॉम्पैक्ट है, छोटा मोटा अच्छा मशीन है ये। मेहनत तो है थोड़ा लेकिन अच्छा मशीन है, उससे तो कम मेहनत होगा। वो हार उर वाला जो पुराना हार बैल उल वाला रहता था तो उससे कम मेहनत है। और प्राइस क्या है इसका?
84,000। 84,000 मतलब हाँ, अगर आप ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये खरीद सकते हैं। 84,000 कोई वर्थिटी है, हमको लगता है माइलेज भी अच्छा ही देता होगा। तो फिर दैट्स इट, यही था। तो ऐसे अगर ब्लॉग चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए नया नया ब्लॉग देखने के लिए। बस बहुत दिन बाद ब्लॉग डालें, लेकिन कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।